अरे ललित, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना है आपको बांध बनाने में बहुत लोगों की जरूरत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो आदमी लोग नौकरी पे रख दिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ वो तो मैं समझ गया अब, लेकिन तू इतना पतला है, तू भारी काम कैसे करेगा? हाँ तेरे लिए बहुत मुश्किल है वो काम, तू नहीं कर पाएगा। सेठ जी कोई हल्का काम दे दीजिए, हल्का वो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो तेरे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है, तू वो करेगा? बोलो ना क्या काम है सेठ जी, कर लूंगा। अच्छा एक काम करेगा, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक बांस का जंगल है, क्या तू जानता है? हाँ जानता है। हाँ जानता हूँ। अच्छा उसके बगल में एक जमीन है, वो मेहता साहब से अभी अभी मैंने खरीद ली है। उसके बगल में मैं एक तालाब बनाना चाहता हूँ, क्या तू वहाँ पे जाके खुदाई का काम करेगा? हाँ बता मुझे। हाँ, कर लूंगा। हाँ ठीक है जाओ। तो फिर अभी पैसों की बातें कर ले हम। हाँ है बांधने के काम के लिए मैं जितना पैसा दूंगा उससे तुझे मैं आधा पैसा दूंगा। हाँ, मैं राजी हूँ सेठ साहब, मैं राजी हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कल से शुरू कर देना, ठीक है? जाओ अभी। ये कैसी आवाज है? ये क्या ऐसा क्या है जो कुदाल से निकल ही नहीं रहा है? ऐसे लग रहा है मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। हाँ ये क्या, ये तो एक पित्तल का घड़ा है। ढक्कन खोलते ही मेरे दिल की धक धक बढ़ गई। देखता हूँ खोल के अंदर क्या है। ये तो सोने की मोहर है, और इस मोहर पे राजा का चित्र भी है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत पुराना है, लेकिन अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? हाँ, मैं पहले घर जाता हूँ। क्या हुआ, आज आपको बहुत देर हो गई? आज कुछ ज्यादा ही काम था क्या? घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। अब बताएंगे क्या हुआ? अरे ये सब क्या है? अरे धीरे, जरा ध्यान से देखो इसमें क्या है, हैं? क्या है ये? अरे ये तो सोने की मोहर है, ये तो बताइए कि आपको ये सोने की मोहरें मिली कहाँ से? मैं गड्ढा खोद रहा था और खोदते खोदते मुझे ये घड़ा मिला और घड़े के अंदर मोहर। फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये मोहर हमारी नहीं है, हम इन्हें नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मिट्टी में से मिली हुई ये मोहरें उसका मालिक मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ।
इसके मालिक हमारे सेठ जी हैं, और अगर उन्हें पता चला कि हमने ये रख ली है तो पता है हमें जेल हो सकती है। हाँ, तो फिर इन मोहरों का क्या करोगे आप? मोहरों के मालिक तो हमारे सेठ जी हैं, तो मुझे लगता है कि ये घड़े में भरी सोने की मोहर है, उन्हें दे देनी चाहिए। हाँ, उन्हें दे देनी चाहिए। दे आएंगे, ठीक है, फिर जाकर दे आइए, लेकिन पहले तालाब से हाथ मुंह धोकर आइए, पहले कुछ खा लीजिए और फिर जाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं तभी जाऊंगा। इनमें से कुछ मोहरे तो मैं निकाल ही सकती हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? खोदते खोदते तुम्हें इतनी सारी मोहरें मिली? बोल क्या रहे हो तुम? हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, और मैंने ये भी सोचा कि अगर मैंने ये रख ली तो आपके साथ विश्वासघात होगा, इसीलिए तो मैं ये घड़ा उठाकर आपके पास ले आया। अब आप इसके सरकारी खजाने में जमा करवाने की व्यवस्था करवा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर करूंगा मैं। तुम ठीक है, तुम निश्चिंत होके तुम घर चले जाओ, ठीक है? हाँ, तो फिर सेठ जी मैं जाता हूँ घर। हाँ, संभल के जाओ। हाँ। मैं पुलिस को ये सारे मोहरे थोड़ी ना दूंगा। ये सब मैं अपने पास ही रख लूंगा। कितना धनवान हो जाऊंगा मैं, गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। और पैसे देके लोगों से जमीन खरीद लूंगा मैं, फिर देखना मेरा कमाल। अब देखना, इस सोने की मोहरों को बेच के मैं ना मैं 3 मंजिल का बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। 3 मंजिल का। अच्छा, अगर लोगों को इसके बारे में पता लगा तो मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, इस सब मामले में मैं ना ललित का नाम लेकर मैं उसी को फंसा देता हूँ और मैं खुद बच जाता हूँ। क्या दिमाग पाया है मैंने। लीला, मैं काम पे जा रहा हूँ। लेकिन कल की तरह आज देर मत कर देना। देखिए सर, अब ललित के घर पर एक बार छानबीन करके देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। कल रात जब मैं इनके घर के पास से जा रहा था, तब मैंने ऐसे सुना कि ललित और उसकी बीवी सोनू के मोहरे के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और वही बात मैंने चुपके सुन ली थी। क्या ललित, बोलो ये बात सच है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मुझे कल मिट्टी खोदते खोदते घड़े में भरी सोने की मोहरे मिली, लेकिन वो तो मैं कल रात को ही सेठ जी को दे आया था साहब। हाँ, झूठ बोल रहे हो? अगर झूठ बोला तो तुम्हारी जबान में बाहर खींच लूंगा। देखिए सर, देखिए ये कितना बदमाश है, ये आपके सामने झूठ बोल रहा है ये। ललित, मैं तुम्हारी घर की छानबीन करना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए दरोगा जी, मैंने सारी सोने की मोहरे सेठ जी को कल रात को दे दी थी। अरे बाप रे, अगर इन्होंने घर की तलाशी ली तो मैंने बिस्तर के नीचे छुपाए हुए सारी मोहरे इन्हें मिल जाएंगी। दरोगा बाबू, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपा करके मेरे घर की तलाशी मत लीजिए। अच्छा, छानबीन रोकना चाहती है ये, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इन्होंने कुछ और भी छुपा रखा है। अरे ये रही सोने की मोहर। जरा मुझे दिखाओ तो।
अरे ये तो बादशाही मोहर है। ललित तुमने बोला था तुम्हारे घर में कोई मोहर नहीं है, तो ये मोहर यहाँ पर क्या कर रही है बताओ। नहीं पता साहब, मुझे सच में नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता साहब। चलो तुम्हें थाने में लेकर चलता हूँ। हम पर दया कीजिए, हमें थाने में मत लेके जाइए। मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी। कल ये मुखिया जी को सारी मोहरे देने जा रहे थे, मेरे मन में लालच आ गया, अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैंने कुछ मोहरे अपने पास रख ली। मेरी बात का यकीन कीजिए, इन्होंने बाकी सारी मोहरे मुखिया जी को दे दी हैं। फिर से झूठ बोल रही हो तुम, फिर से झूठ बोल रही हो तुम। सब अभी इन दोनों को अब जेल में बंद कर दीजिए और जेल में ले जाके इतना मारिए कि आपको सब कुछ सच सच बता देंगे साहब, अब सब कुछ बोल देंगे। छः सौ एक, छः सौ दो, छः सौ तीन, छः सौ। अरे अरे सब आप लोग यहाँ कैसे? हाँ मैं आ गया हूँ। आपने बोला था ना कि ललित के घर में बहुत सारा मोहर है, पर उसके घर में मुझे थोड़ा सा ही मोहर मिला। आपने जितना कहा था उससे बहुत बहुत कम मिला, और बाकी मोहर का खुशबू सुनकर मैं आपके पास चला आया। यहाँ आकर देखा तो आपके पास तो बहुत सारे मोहर हैं। चलो थाने में चलो। अरे साहब आप मुझे कहाँ वहाँ ले जाएंगे, हम दोनों मिल बांट के यही कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं ना। मान लीजिए मेरी बात, आपस में बातचीत करके ये सब निपटा लेते हैं। अपनी बकवास बंद करो, गरीब का पैसा खाते खाते आपने बेईमानी बहुत ही अच्छे से सीख ली है। अभी देखो मैं आपका क्या हाल करता हूँ, आपको अभी थाने में ले जाऊंगा। कॉन्स्टेबल्स इन्हें थाने में ले चलो। आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं साहब, आप इस थाने में नए आए हैं, इसीलिए आप जानते नहीं हैं कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सही नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मुझे, अभी वक्त है साहब। आपको जो करना है कर लो, ये कानून का हाथ है और ये कानून का हाथ किसी से नहीं डरता। चलो कॉन्स्टेबल इस बदमाश को अभी के अभी लॉकअप में डाल दो। जाओ ललित तुम दोनों घर चले जाओ, इतनी प्राचीन मुद्रा खोज के निकालने के लिए सरकार तुम्हें इनाम देगी, सरकार से तुम्हें इनाम मिले इसका बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। तुम घर जाओ और कोई चिंता मत करना। साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप माई बाप है, आप माई बाप है, आप माई बाप है।